أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سامعين। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमना नाम का मतलब और इसकी मजीद तफसीलात क्या है। इस नाम की इब्तदाई तारीख अरबी जुबान से निकलती है। ये नाम इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है या इसके स्पेलिंग क्या है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मजहब है इस्लाम, यानी इस नाम का शुमार इस्लामी नामों में किया जाता है। इस वीडियो में आगे चल के हम देखेंगे कि इस नाम का इस्तेमाल ज्यादातर कौन से तीन ममालिक में किया जाता है, इसलिए आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को एंड तक देखें। जिंस है लड़की, यानी इस नाम का शुमार लड़कियों के नामों में किया जाता है। इस वीडियो में आगे चल के हम देखेंगे कि इस नाम के अफराद कैसे होते हैं या उनका हसूले जिंदगी क्या होता है, इसलिए आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को एंड तक देखें। ये नाम उर्दू में चार हरूफ और एक लफज पर मुश्तमिल है, जबकि इंग्लिश में इस नाम के हरूफ की तादाद चार है। अमना के उर्दू मानी है अमन वाली, हसीयत वाली, मर्तबा वाली, जबकि इसकी इंग्लिश मीनिंग है पीस एंड हाई रैंक्ड। आपसे दरखास्त है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इस नाम के अफराद के लिए हिंसों के हिसाब से खुशकिस्मत समझे जाने वाले रंगों में शामिल है सुरख, जंगनुमा और हल्का सबज, जबकि इतवार और मंगल के दिन को इस नाम के अफराद के लिए हिंसों के हिसाब से खुशकिस्मत समझे जाने वाले दिनों में शुमार किया जाता है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। पखराज नामी पत्थर को इस नाम के अफराद के लिए हिंसों के हिसाब से खुशकिस्मत समझे जाने वाले पत्थरों में शुमार किया जाता है। और तांबा को इस नाम के अफराद के लिए हिंसों के हिसाब से खुशकिस्मत समझे जाने वाले दांतों में शुमार किया जाता है। नंबर 6 को इस नाम के अफराद के लिए हिंसों के हिसाब से खुशकिस्मत समझे जाने वाले नंबरों में शुमार किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी कर लें। अमना नाम की तफसील है अमना जावेद, अमना मुनव्वर। ये नाम आमिना से मिलता जुलता है। इस नाम का ज्यादातर इस्तेमाल जिन ममालिक में किया जाता है उसमें सरफरिस्त है पाकिस्तान, नंबर 2 पर है UAE और नंबर 3 पर है श्रीलंका। इस नाम के अफराद के बारे में ये समझा जाता है कि ये जिंदगी को हमवार और बगैर परेशानियों के गुजारना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप किसी और नाम के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपना पूरा नाम कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।